हाय दोस्तों, साई इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम ये कैन स्टार का कूलर रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम है, इसकी पानी की मोटर है वो पानी नहीं मार रही है। तो चलिए मैं आपको इसे ऑन कर दिखाता हूँ। ये देखिए, कूलर को मैंने ऑन कर दिया है और ये देखिए कूलर ऑन हो चुका है। और ये देखिए पानी का स्विच, तो ये देखिए पानी का स्विच ऑन, पानी का मोटर का स्विच ऑन करने पर ये देखिए मोटर पानी नहीं आ रहा है ऊपर, ये देखिए। तो दोस्तों, इस कूलर का यही प्रॉब्लम है। तो चलिए हम सबसे पहले इस पानी की मोटर को खोलते हैं और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, पानी की मोटर को मैंने निकाल दिया है और ये देखिए नीचे से कितना गंदा कचरा भरा हुआ है इसके अंदर। तो दोस्तों, ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर खारा पानी यूज़ करने से ही होता है। और चलिए अब हम इसे सबसे पहले साफ़ करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर से तो मैंने अच्छी तरह से इसे साफ़ कर दिया है। तो चलिए एक बार हम इसे अंदर से भी देख लेते हैं, अंदर कचरा तो नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, अंदर भी कितना खारा पानी की वजह से ये देखिए कचरा जम गया है। तो चलिए हम इसे भी अच्छी तरह से साफ करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर का भी कचरा निकल चुका है। अब हम इसके अंदर मोटर को खोलेंगे और एक बार देखेंगे इसके अंदर भी कोई कचरा है क्या नहीं। तो चलिए मैं इस ढक्कन को निकालता हूँ। ये थोड़ा ये देखिए बहुत ही जाम हो चुका है, तो इसे मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालता हूँ। ये देखिए दोस्तों, निकल गया है। तो ये देखिए दोस्तों, अंदर भी थोड़ा थोड़ा कचरा चला गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो चलिए एक बार इसे हम थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, ये देखिए कचरा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो अच्छी तरह से साफ होने के बाद हम ये व्हील है जो इसके अंदर लगाएंगे। व्हील को दोस्तों अच्छी तरह से लगाइए ताकि ये जाम ना हो जाए, थोड़ा सा फ्री रहना चाहिए। और ये देखिए इसके ऊपर भी थोड़ा कचरा जम गया है, तो इसे भी मैं निकाल लेता हूँ। चलिए अब जैसे था पहले हम उसको बिठाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों अच्छी तरह से बैठ गया है। और ये देखिए इसके अंदर भी थोड़ा सा कचरा भरा हुआ है अभी भी, तो चलिए एक बार हम इसे निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसके अंदर का भी कचरा निकल चुका है और अच्छी तरह से साफ हो गया है। तो चलिए अब हम इसे लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से इस ढक्कन को लगाना है और इसको दबाकर इस तरह से बिठाना है। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से बैठ गया है। और चलिए अब हम इसके स्क्रू को अच्छी तरह से स्क्रू से अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों वाटर मोटर को मैंने अच्छी तरह से बिठा दिया है। और चलिए अब हम इसे सप्लाई देते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो ये देखिए इसको मैंने सप्लाई दे दिया है और अभी हम वाटर मोटर का स्विच ऑन करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों वाटर मोटर हमारी अब ठीक हो चुकी है, जो पहले अभी पानी ऊपर नहीं आ रहा था, ये देखिए अब अच्छी तरह से पानी ऊपर आ रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।